ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, सिंगुलैरिटी यानी कि सेंटर पॉइंट जहाँ ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इवेंट होराइजन जहाँ पर आप एक बार एंटर हो गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। यहाँ से बचने के लिए आपको लाइट से भी ज़्यादा स्पीड चाहिए रहेगी, क्योंकि यहाँ से इवन लाइट भी वापस नहीं जा सकती है और इस वजह से तो ये डार्क होता है। बट लेट्स कम टू द मेन थिंग। ब्लैक होल का थर्ड पार्ट है एक्रिएशन डिस्क, जहाँ डस्ट, स्टार्स वगैरह ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे होते हैं। अब अगर हम इस ब्लैक होल को स्पेस टाइम कर्व पर रखते हैं, स्पेस टाइम कर्व को एक चादर की तरह समझो, जिस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है तो जो चादर होगी वो बेंड हो जाएगी। उसी तरह अगर मैं ब्लैक होल रखूँ तो स्पेस टाइम कर्व काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल का मास काफ़ी ज़्यादा है। अभी मास ज़्यादा तो ग्रेविटी ज़्यादा, ग्रेविटी ज़्यादा तो ब्लैक होल के करीब आते आते टाइम स्लो होता जाएगा, और जैसे ही क्लॉक ब्लैक होल के सेंटर में जाके पहुँचेगी यानी कि सिंगुलैरिटी पर, टाइम स्टॉप और वीडियो ख़त्म।